आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर में हम लोग को कौन कौन से सब्जेक्ट थ्योरी में पढ़नी है, फिर कौन कौन से सब्जेक्ट हमको प्रैक्टिकल में पढ़नी है। थ्योरी सेक्शन की बात करें तो हम लोग को फार्मास्यूटिक्स सेकेंड पढ़नी है, उसका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड पढ़नी है जो इस बार ऑर्गेनिक होगी। पिछले फर्स्ट ईयर में हमको इनऑर्गेनिक पढ़नी थी। फिर मेरा फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी होगा, फिर मेरा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस होगा, फिर मेरा फिफ्थ जो सब्जेक्ट होगा वो ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट होगा, इसमें कॉमर्स ये सब अकाउंटेंसी ये सब की बात होगी। फर्दर मेरा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी भी होगा। फार्मास्यूटिक्स में मेरा एक्सटेंडेड पार्ट होगा, फर्स्ट ईयर के बेसिस पे ही ज्यादातर इसमें मेनली डोजेस फॉर्म के बारे में ज्यादा पढ़ना है। उसका जिसमें प्रिस्क्रिप्शन हो गया, फिर इनकम्पेटिबिलिटी जो प्रिस्क्रिप्शन में होती है वो हो गया, पोसोलॉजी भी है इसमें। उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड में हमको ऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक पढ़ना है, जिसमें हमको स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर पे मेनली फोकस होगा। फर्दर हम थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे फोकस करें तो हमको उसमें इसमें प्रैक्टिकल करनी होगी फार्मास्यूटिक्स सेकेंड की। इसमें कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स बेसिक तौर पे मिलते जुलते होंगे फर्स्ट ईयर में जो हम लोग फार्मास्यूटिक्स में प्रैक्टिकल करा परफॉर्म करा था उस पर। फिर मेरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो मेनली इस बार ऑर्गेनिक होगा, पिछले साल इनऑर्गेनिक रहता था, जो इसमें कोई प्रैक्टिकल में कोई टॉपिक होगा, जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया गया उसमें नाइट्रोजन सल्फर या हैलोजेंस कोई मतलब आइडेंटिफाई करना है, ये सब उसमें होगा। फिर मेरा फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोलॉजी एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट इस बार का सब्जेक्ट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। उसके बाद मेरा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इन चारों सब्जेक्ट का फिर हमको प्रैक्टिकल मिस्टर थ्योरी में भी ये सब्जेक्ट है, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल भी हम लोग को परफॉर्म करना है।